बरसात के दिन आए। अच्छा तो क्या होगा बरसात में? आएगा मजा अब बरसात का। तुझे मजे की पड़ी है, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। साला 3 दिन से पाद नहीं आ रहा, तुझे पता है ना, जब पाद नहीं आता है तो पेट में क्या होता है? दर्द बड़ा होता है। जी हाँ, कुछ करना यार। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ कहो। ये जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज से मेरे पिछवाड़े की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। आप बस मुझे एक बार कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं। एतराज तो नहीं है, पर जरा हल्का हाथ रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पिछवाड़े से ही हाथ धो बैठूं। तुम्हें दवाई तो पता है ना? दमदार नुस्खा यार, हमने जो आजमाया रे। अच्छा तो बताओ कौन सा नुस्खा है? आंसुओं का चूरन चपा के हमने टकोर मारा रे। अरे मेरी फटी पड़ी है, तुझे मजाक की पड़ी है, रख फोन रख रख। सॉरी। चल कोई नहीं, अब तू बता तेरे क्या हाल है? बड़ी बेचैन हूँ मेरी जान, मैं कल परसों से। क्यों, क्या हुआ, कैसे हो बेचैन? क्या बताऊँ तुझे? अरे जब फोन करा ही है तो बता ना क्या परेशानी है। धुआं सा उठे है कहीं जिस्म से। अच्छा धुआं सा उठ रहा है, तो ये धुआं कैसे बंद होगा भाई? मुझे अपनी दुल्हन बना लो सनम। लेकिन मैं तो कालू की लड़की से प्यार करता हूँ, और वो है भी बहुत खूबसूरत। कोई है कि मुझे सेक्सी बोलता है, कोई है कि मुझे ब्यूटीफुल बोलता है, तुम्हें कि तुम्हें दिखाई नहीं देता? दिखाई देने को तुझमें ऐसा है ही क्या? आँखें खराब है या कोई और प्रॉब्लम है? Oh, no. देखो गंदी गंदी बातें करके मेरी इज्जत से मत खेलो। अरे बच्चू, अब मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत में है। तुम्हारी इज्जत में मेरी इज्जत, मेरी इज्जत में तुम्हारी इज्जत। मैं कुछ समझा नहीं यार, इस बात का क्या मतलब है? ओके बाय। अबे रुक, पहले इसका मतलब बता के जा। ये क्या है? ये पाद है, ये वही पाद है जो साला 3 दिन से रुका पड़ा था। वाह।